नौसेना दिल्ली मुख्यालय की टीम पहुंची झुंझुनू ECHS पॉलीक्लिनिक में मिले पूर्व सैनिकों से। ले कमांडर आकाश आनंद के नेतृत्व में पहुंची टीम, कहा राजस्थान के साथ बड़े जिलों का करेंगे दौरा, पॉलीक्लिनिक को लेकर लेंगे फीडबैक, सुनेंगे समस्या। झुंझुनू में पूर्व सैनिकों के साथ की टीम ने चर्चा। ECHS विजिट झुंझुनू AVB। नौसेना के दिल्ली मुख्यालय की एक टीम आज झुंझुनू ECHS पॉलीक्लिनिक पहुंची। लेफ्टिनेंट कमांडर आकाश आनंद के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पूर्व सैनिकों के साथ चर्चा की और पॉलीक्लिनिक की सुविधाओं की समीक्षा करने के साथ साथ समस्याओं को जाना। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कमांडर आकाश आनंद ने बताया कि वे अपने 4 अन्य साथियों के साथ 2200 किलोमीटर की यात्रा तय कर राजस्थान के साथ बड़े जिलों में संचालित पॉलीक्लिनिक का विजिट कर रहे हैं। इनमें झुंझुनू भी शामिल है। वे पॉलीक्लिनिक की सुविधाओं की समीक्षा करने के साथ साथ समस्याओं को भी जान रहे हैं ताकि उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि झुंझुनू पॉलीक्लिनिक की अच्छी बातों को भी लिखा गया है ताकि अन्य पॉलीक्लिनिकों में भी अच्छी सुविधाओं को लागू किया जा सके। साथ ही उन्होंने ECHS और अन्य योजनाओं की फीडबैक लेते हुए योजनाओं की अच्छी बातें और कमियों को जाना है। उन्होंने कहा कि झुंझुनू में पूर्व सैनिकों ने डेंटल और आंखों की चिकित्सा सुविधा की कमी बताई है जो कई जगहों पर सामने आई है। हम कोशिश करेंगे कि डेंटल का इलाज भी पैनल अस्पताल में हो। साथ ही यहां पर फंड्स की दिक्कत भी हुई थी जिसे लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक इशू ये भी सामने आया है कि पैनल अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद उनकी दवा पूर्व सैनिकों को नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें वापसी पॉलीक्लिनिक आकर या तो दवा यहां से लेनी पड़ती है या फिर यहां पर उपलब्ध नहीं है का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि जहां पर इलाज हो वहां पर ही प्रॉपर सभी दवा मिल जाए। उन्होंने इस मौके पर नेवल वेटनर्स को विश्वास दिलाया कि इंडियन नेवी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी है। तो मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर आकाश आनंद है। मैं भारतीय नौसेना के दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ। मैं अपनी टीम, मैं एक ऑफिसर और 4 सेलर की टीम लेके राजस्थान के 7 मेजर जिलों में 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके विभिन्न पॉली क्लिनिक्स पे अपने नेवल वेटरन से जाके मिलने आया हूँ। मैं उनसे ECHS की सुविधाओं पे, उनकी नई स्कीम्स पे फीडबैक लेने आया हूँ, उनका हालचाल लेने आया हूँ और उनको ये वादा फिर से निभाने आया हूँ कि नेवी, इंडियन नेवी उनके साथ खड़ी है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। यहाँ पे मैंने इनसे बातें की, इनसे डिस्कशन किया, इनकी अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं इस पॉलीक्लिनिक की उसको नोट डाउन किया ताकि हम उन्हें बाकी पॉलीक्लिनिक्स में भी कॉपी कर सकें और इनकी जो समस्याएं हैं इनको मैं वापस लेके जाऊंगा और अपने बड़े स्तर पे उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। किस तरीके की समस्याएं, सुझाव मेरे को 2-3 मिले हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे डेंटल, मुझे बताया इन्होंने कि जो वरिद्ध एक्स सर्विस मैन है उनको सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है डेंटल की और आँखों की। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंटली नॉट जस्ट यहाँ पे, ECHS में अभी ये प्रावधान है कि डेंटल का, आँखों का और डेंटल का इलाज मोस्टली बाहर कराते हैं, उसका यहाँ पे अच्छा सुविधा होना चाहिए और डेंटल के लिए बाहर इंपैनल्ड हॉस्पिटल में भी इलाज की सुविधा होनी चाहिए। तो ये 2 मेजर पॉइंट मैं लेके वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे बीच में कभी फंड्स का भी क्रंच हुआ था उसका भी सोल्यूशन मैं अपने स्तर पर करने का कोशिश करूँगा। समाधान हाँ, एक और मेजर पॉइंट जो हमारे साहब ने भी बताया था कि IPD के बाद इन पेशेंट ट्रीटमेंट, बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन के बाद तो कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ इशू होती हैं, बट यदि मरीज, बूढ़ा मरीज जाता है अगर OPD दिखाने के लिए तो उस समय पे उसे कोई दवाई नहीं मिलती है, उसको वापस आके यहाँ से पॉलीक्लिनिक से या तो दवाई इशू करानी होती है या फिर अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाहर का डॉक्टर अलग दवाइयाँ लिखता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है तो उसका NA सर्टिफिकेट मिला जाता है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इनका सुझाव ये है कि ये दवाइयाँ उसी डॉक्टर से मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, इनको वापस 50-60 किलोमीटर का दूरी तय करके वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये सुझाव मैं वापस लेके जा रहा हूँ, इसका प्रपोजल मैं ऊपर तक भेजूँगा।